नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आमिर खान की मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, भाइयों मूवी को फ्लॉप होता देख इन लोगों ने अभी प्रोपगंडा चलाना चालू कर दिया है, झूठ मूठ का जो है न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं और खुद्दू छाप मीडिया को पैसा दे के प्रचार करवा रहे हैं कि इतना टिकट सोल्ड आउट हो गया, इतना टिकट जो है बुक हो गया, इतना थिएटर बुक हो गया, इतना करोड़ का एडवांस में कमाई हो गया। भाइयों, मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, यदि इन्होंने कमा लिया तो कमा लेने दीजिए, हमको दरकार नहीं है, हम नहीं देखने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि हर एक भारतीय, या वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये सिर्फ ये सोच ले कि भैया हमको नहीं देखना है तो हम नहीं देखेंगे, हम देख लेते हैं कि कौन जो है मूवी को हिट करा लेता है और कौन कमाई करा देता है, बस तैयार रहिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए इस बार सबक सिखाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता की बात करते हैं ना, एक धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म के खड़ा होने की बात जो करते हैं ना, ये इस बार करके दिखाना है। यदि ऐसे लोगों को हम लोग डाउन कर देंगे ना, ऐसे लोगों को हम लोग जमीन पर ला देंगे ना, तो कोई भी हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये जो है ये जड़ है, ये अपने कमाई के लिए देश को बांटने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कठोर कदम उठाते हुए सिनेमा हॉल की तरफ मुंह भी ना करें, एकदम बिल्कुल घर बैठ जाएं, आंख कान बंद करके एकदम इसकी मूवी को थिएटर से आउट होने के बाद ही आंख खोलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आमिर खान की मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा, भाइयों मूवी को फ्लॉप होता देख इन लोगों ने अभी प्रोपगंडा चलाना चालू कर दिया है, झूठ मूठ का जो है न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं और खुद्दू छाप मीडिया को पैसा देके प्रचार करवा रहे हैं कि इतना टिकट सोल्ड आउट हो गया, इतना टिकट जो है बुक हो गया, इतना थिएटर बुक हो गया, इतना करोड़ का एडवांस में कमाई हो गया। भाइयों, मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, यदि इन्होंने कमा लिया तो कमा लेने दीजिए, हमको दरकार नहीं है, हम नहीं देखने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि हर एक भारतीय, या वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ये सिर्फ ये सोच ले कि भैया हमको नहीं देखना है तो हम नहीं देखेंगे, हम देख लेते हैं कि कौन जो है मूवी को हिट करा लेता है और कौन कमाई करा देता है, बस तैयार रहिए, एकदम गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए इस बार सबक सिखाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता की बात करते हैं ना, एक धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म के खड़ा होने की बात जो करते हैं ना, ये इस बार करके दिखाना है। यदि ऐसे लोगों को हम लोग डाउन कर देंगे ना, ऐसे लोगों को हम लोग जमीन पर ला देंगे ना, तो कोई भी हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये जो है ये जड़ है, ये अपने कमाई के लिए देश को बांटने का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, कठोर कदम उठाते हुए सिनेमा हॉल की तरफ मुंह भी ना करें, एकदम बिल्कुल घर बैठ जाएं, आंख कान बंद करके एकदम इसकी मूवी को थिएटर से आउट होने के बाद ही आंख खोलें। जय हिंद, जय भारत।